हमारे ये मौजूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक नब्ज को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया। नागपुर के हमारे चुनिंदा वित्तीय विश्लेषकों की नजर में इस बजट में क्या मायने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट, आइए जानते हैं वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में। इस साल का बजट 2022 का बजट मैंने बड़े उम्मीद से देखा, बहुत ध्यानपूर्वक देखा कि कुछ तो बदलाव आएगा, मगर मुझे नहीं लगता है कि कुछ बदलाव आया है। सिर्फ लिपापोती करके कुछ शब्द का गोलमेल तालमेल जुड़ा कर पिछले शब्दों के इसमें पूरा नया शब्द डालकर एक नया माला हम लोगों को पहना दी गई है। इससे मुझे बजट कुछ खास नहीं लगा, बट इतना लगा कि हमारे जो किचन का बजट था वो ना बड़ा ना घटा, एज इट इज़ ही रहा। अगर सिलेंडर का दाम घट जाता तो बहुत अच्छा लगता, और मिडिल क्लास लोगों का थोड़े थोड़े से ही हम बचत कर ले, यही हमारे लिए बहुत बात होती। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।